प्रतिभाओं के देश भारत में राज्य और केंद्र सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही देखने को मिलती है। कटिहार के एकमात्र खेल मैदान राजेंद्र स्टेडियम का हाल बदहाल है, जबकि इस स्टेडियम से कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जुड़े रहे हैं और अब स्टेडियम की ऐसी हालत देख खिलाड़ी और खेल प्रेमी दोनों ही प्रशासन से नाराज हैं। कटिहार में मेजर आशुतोष कर्पूरी टूर्नामेंट राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हुआ, कई नामी गिरामी खिलाड़ी यहाँ पहुँचे हैं, बंगाल, आसाम, नेपाल, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से टीमें आई हैं, लेकिन इस स्टेडियम के कारण जो है दिनों दिन इसका प्रभाव, इस खिलाड़ियों का मनोबल टूटता गया है। राजेंद्र स्टेडियम के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालने वाले नगर निगम के नगर आयुक्त कहते हैं कि हाल ही में इस पर कुछ काम हुआ है और बहुत जल्द इसकी हालत में सुधार आएगा। राजेंद्र स्टेडियम को हम लोग तो अभी उसकी रंग रोगन कराना चाह रहे हैं और हम लोग के दिमाग में आया है कि उसका जो बैठने का जो उसका है वो सब टूटी हुई कुर्सी है, तो हम लोग जब उसका अगला हम लोग का जो कोई बैठक होता है तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे कुछ के बारे में प्रस्ताव ले लें और उस पर हम लोग आगे काम कराएं, लेकिन उस पर हम लोग का ध्यान है कि हम लोग उसको और अच्छा बना लें। एक स्वस्थ तन में ही एक स्वस्थ मन होता है और ऐसे में स्वस्थ रहने के लिए खेल बहुत जरूरी है, साथ ही युवाओं को खेल से जोड़ना एक अच्छी पहल है, लेकिन इसके लिए खेल मैदानों को खस्ता हाल से उभारने की बहुत जरूरत है। कटिहार से न्यूज के लिए श्याम कुमार की रिपोर्ट।